आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कोनवा से सिपाया तक जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य शनिवार से शुरू हो गया। इसका विधिवत शनिवार को शिलान्यास किया गया, जिसका शिलान्यास गोपालगंज के सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कुचायकोट के जदयू विधायक अमरिंद कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चयनित इस सड़क के निर्माण में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 14 किलोमीटर लंबी ये सड़क कोनवा से सिपाया ढाला तक जाएगी, जिससे आसपास की एक दर्जन से ज्यादा पंचायतें प्रभावित होगी। आपको बताते चले कि गोपालगंज के NH 27 स्थित कोनवा बाजार से सिपाया तक 14 किलोमीटर लंबी ये सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर थी, जिससे इस सड़क पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया था। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि इस सड़क के निर्माण को लेकर वर्षों से लोग मांग कर रहे थे। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये सड़क लोगों के बीच मुख्य मुद्दा बना था। लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं को लेकर यहाँ पर आंदोलन भी किया था। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि उनके लगातार प्रयास और कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, तत्कालीन जिला परिषद के अध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे के द्वारा इस सड़क के निर्माण को लेकर उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण को लेकर दो दो बार टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका विधिवत शिलान्यास कर कार्य का शुभारंभ भी कर दिया गया है। ये सड़क अगले कुछ महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगी। कुचायकोट के विधायक अमित कुमार पांडे ने बताया कि इस सड़क की लंबाई करीब 14 किलोमीटर है। इसका निर्माण सेलकॉन कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से आसपास के एक दर्जन से ज्यादा पंचायतें प्रभावित होंगी। इस सड़क के निर्माण होने से आवागमन सुगम होगा और इसके साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। बता दें कि सिपाया में इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। गोपालगंज के देरा इलाके के लोगों को इस सड़क के जर्जर होने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बहरहाल इस सड़क के निर्माण कार्य शुरू होने के आसपास के गांव में खुशी की लहर है। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर यहां पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी भागीदारी भी देखने को मिली। शिलान्यास कार्यक्रम में जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन मुकेश पांडे, जदयू जिला अध्यक्ष आदिश शंकर शाही के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद थे। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का जो रोड है, लगभग 14 किलोमीटर का रोड है, जिसको हमारे गोपालगंज के लोकप्रिय सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी के द्वारा और बहुत प्रयासरत किया गया, और हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा प्रयास रहा, योगदान रहा, जो इस रोड का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। और इसके जो इसको बहुत जल्दी इस काम को पूरा करेंगे, इसलिए कि यह रोड लगभग 10 पंचायत को जोड़ता था, काफ़ी लोगों की परेशानी होती थी आने जाने के लिए, और बहुत से कंप्लेन भी लोग यहाँ के स्थानीय लोग करते थे। तो आज इस रोड का शुभारंभ हुआ और बहुत जल्दी यह रोड बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें हमारे सांसद महोदय का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, और जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी भी प्रयासरत रहे और आज इस रोड का भाग्य जगा है। इससे हम लोग को यहाँ की जनता में और सारे लोग में बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से लापता ऑक्सिन बायोटेक कंपनी के MR मनीष श्रीवास्तव के अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए MR को लखनऊ शहर के चारबाग स्टेशन से बरामद कर लिया है। फिलहाल न्यायालय के आदेशानुसार अपहर्ता MR मनीष कुमार श्रीवास्तव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बताते चले कि साइबर थाना की थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु DSP सक्षी राय ने बताया कि नगर थाना के साधु चौक वार्ड नंबर 5 MR निवासी मनीष श्रीवास्तव बीते 16 नवंबर को कुचायकोट में डॉक्टर विजिट करने गया हुआ था। घर पर पत्नी से बात किया और फिर अचानक मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, जिससे पत्नी एवं परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद कुचायकोट पुलिस खबर मिलते ही उसके तलाश में जुट गई। पुलिस उसका आवेदन लेने के बाद पहले कुचायकोट NH 27 के भाटवा मोड़ पर ओवरब्रिज के नीचे से उसकी बाइक और हेलमेट बरामद किया गया। परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। साइबर थाना के सहयोग और मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर दिनांक 24 नवंबर को UP के लखनऊ शहर के चारबाग स्टेशन से बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उनके ऊपर बताया गया कि मेरे
ऊपर 12 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जिससे मैं काफी परेशान रह रहा हूँ। कर्ज देने वाले लोग टॉर्चर कर रहे थे, जिससे वो बचने के लिए एवं कर्ज देने वालों को डराने के लिए खुद के अपहरण का साजिश रच दी। मैं अपना मोटरसाइकिल भाटवा ओवरब्रिज के पास लगाकर झांसी चला गया था तथा झांसी से लखनऊ आया, जहाँ पुलिस द्वारा मुझे हिरासत में लिया गया। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था। ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम, इसी की वजह से हम चले गए, भाग गए थे। उसका फिर ही खुद ही घर पर कॉन्टेक्ट करके खुद ही वापस आए। क्या करते थे? MRI काम करते हैं। नहीं, सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से बहुत सारे पैसे हम दे चुके हैं, उसके बाद भी लोग पैसा मांग रहा था, कंटिन्यू पैसा मांग रहा था लोग, इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, हम यहाँ से चले गए थे। पुलिस का कहना है कि आपको लखनऊ से बरामद किया गया। लखनऊ खुद ही हम आए थे, झांसी से खुद हम लखनऊ आए हैं। नहीं, हाँ। 8 दिन पहले 16 नवंबर को मनीष कुमार श्रीवास्तव, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और MR हैं, उनकी गुमशुदगी का मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र में रिपोर्ट हुआ था। इस संदर्भ में अपहरण की धाराओं में कांड दर्ज हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय एवं टेक्निकल स्रोतों के आधार पर पुलिस की टीम ने लखनऊ से इसे बरामद किया है। और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसका अपहरण नहीं हुआ है और इसके ऊपर 12 लाख का कर्ज था, जिसके प्रेशर से तंग आकर इसने ऐसा कदम उठाया था। आगे अनुसंधान जारी है। क्या करते थे? MR का कार्य करते, MR थे। सकुशल बरामद है। सकुशल बरामद। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें शादी करने वाले लोगों को हर्ष फायरिंग को लेकर शपथ पत्र देना होगा। आपको बताते चले कि इसी को लेकर हथुआ तथा बरौली थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र के मैरिज हॉल संचालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अगर आपके यहाँ किसी भी व्यक्ति की शादी विवाह को लेकर बुकिंग किया जाता है तो उसी वक्त आपको हर्ष फायरिंग नहीं करने का शपथ पत्र बराती और घराती पक्ष से लेना होगा और इसकी जानकारी पुलिस को भी देनी होगी, ताकि कहीं भी शादी विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना पर नियंत्रण किया जा सके। हर्ष फायरिंग में कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं, इसी को लेकर पुलिस ने अब यह निर्णय लिया है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत के मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कृष्णा राय बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव के निवासी ज्योतिक राय का पुत्र है। अभी हाल ही में इस गाँव के एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी, जिसमे जहरीली शराब पीकर मरने वाले की बात भी सामने आ रही थी, परंतु इसी मामले में पीड़ित परिवार के द्वारा कृष्णा राय को नामजद आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इस कांड में आगे पुलिस के द्वारा अनुसंधान की जा रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर में हुई एक महिला की मौत को लेकर मृत महिला बबली देवी के मायके वालों ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कुचायकोट पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मृत महिला जलालपुर के मनीष कुमार गुप्ता की पत्नी थी और 2018 में उसकी शादी हुई थी। इनका एक 4 साल का बच्चा भी है, परंतु बबली देवी के मायके वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज को लेकर ही बबली देवी की हत्या जलालपुर में ही कर दी गई और शव को ले जाकर PMCH में इलाज के नाम पर भर्ती करा दिया गया, जहां बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का आनन फानन में पटना में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल इस कांड को लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शराब तस्कर गोरखपुर का रहने वाला धीरेन्द्र कुमार सिंह है और दूसरा आरोपी सिधवलिया का निवासी कामेश्वर महतो है। पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी गाड़ी तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महता की देखरेख में शनिवार को हथुआ प्रखंड स्थित सेमराव पंचायत भवन परिसर में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता उदय नारायण पांडे एवं पीएलबी रोहित कुमार की टीम द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को मध्यस्थता की प्रक्रिया, मध्यस्थता में वैवाहिक वाद, वणिज्यवाद, संपत्तिवाद आदि मामलों को जिला विधिक सभा प्राधिकार में प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से सुलह समझौता के बिंदु पर वार्ता करने एवं वणिज्यवादों के पूर्ववाद के रूप में दाखिल कर उसे समझौता बिंदु पर वार्ता हेतु मध्यस्थता केंद्र में अपने वादों को दाखिल कर सकते हैं। बाइक चालक ने खोया नियंत्रण, बाइक खड़ी ट्रक से टकराई, बाइक पर सवार तीन लोग हुए घायल। आपको बताते चले कि बीती रात माझागढ़ थाना क्षेत्र नया टोला लंगटू हट्टा गांव निवासी रामचंद्र महतो के पुत्र बाइक पर घर से दो औरतों को कोयनी से लेकर घर आ रहे थे। इसी बीच कोयनी रेलवे ढाला के समीप हरिओम दाना फैक्ट्री के दाना से भरी ट्रक सड़क पर खड़ी थी, जिसमें बाइक पर सवार तीन लोग सड़क पर बाइक से गिर जाने के कारण घायल हो गए। घायलों का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में परिजनों के द्वारा कराया जा रहा है। यूपी से शराब की खेप लेकर गोपालगंज जा रहे छह धंधेबाजों को बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर बलिवन सागर गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में 276 पीस देसी विदेशी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तार धंधेबाजों में नगर थाना क्षेत्र के हरबासा गाँव के राजन यादव, सिवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के लांधी गाँव के वीरू यादव, मोतिहारी जिला के चकिया टोला मठ मलाही गाँव के लखदेव दास, बेतिया जिले के मझवलिया थाना क्षेत्र के नरिया गांव के दिलीप कुमार दास, जादूपुर थाना क्षेत्र के गमरिया गांव के प्रदीप कुमार यादव व गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोधा छापर गांव के रंजन कुमार शामिल हैं। पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया है। कड़ी पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर पुलिस बॉर्डर इलाके वदेरा क्षेत्रों में लगातार वाहन जाँच और छापेमारी अभियान चला रही है। तो गोपालगंज की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।